आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में भारत इंग्लैंड का दूसरा T20 मैच होना है। 7 बजे से मुकाबला खेला जाएगा, लेकिन उससे पहले भारतीय टीम के लिए कहीं ना कहीं सिरदर्दी बनी रहेगी फिर से वो प्लेइंग 11 कि किसको टीम में रखा जाए और किसको टीम में बाहर किया जाए। जो फैसले विराट कोहली ने पिछले मैच में किए, कप्तान कोहली ने, वो कहीं ना कहीं गलत साबित हुए। चहल को लेट लाना, वॉशिंगटन सुंदर को पावर प्ले में बॉल ना कराना, कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि अभी भी भारतीय टीम को अपने T20 की जो टीम है उसको मजबूती तो बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको ऑर्डर वाइज लाना पड़ेगा। सबको अपना रोल याद करना होगा। रोहित शर्मा को टीम में वापसी आने के बाद क्या केएल राहुल किस डाउन पे खेलेंगे या टीम में रहेंगे या नहीं रहेंगे, धवन का क्या रोल होगा क्योंकि वर्ल्ड कप में ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं और वर्ल्ड की नंबर वन टीम अगर आपके अपोनेंट हो तो कहीं ना कहीं आपको अपनी तैयारी भी उसी स्तर की करनी चाहिए, उसी तरह की करनी चाहिए। इंग्लैंड ने पिछले मैच में बताया कि वो वर्ल्ड की नंबर वन T20 टीम क्यों है। जिस तरह से उनका जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन था, अब्दुल राशिद को इतना बखूबी यूज़ किया एन मॉर्गन ने, और बताया भी कि नंबर वन टीम हमें क्यों कहा जाता है। हमारे पास जो प्लेयर्स हैं, बेन स्टोक्स आते ही वहाँ बदल गए, जॉनी बेस्ट्रो बदल गए, जो टेस्ट में फ्लॉप चल रहे थे, जो अच्छी फॉर्म में नहीं थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने रंग बिरंगे कपड़े पहने और उन्होंने अपना खेल दिखाना शुरू कर दिया। इन सब पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट नरेंद्र सिंह और संदीप पांडे दोनों लोग जुड़े। बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ में। थैंक यू वेरी मच। नरेंद्र भाई, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। जिस तरह से जो शॉट का सिलेक्शन है, वो चाहे केएल राहुल हो, चाहे वो विराट कोहली हो और चाहे शिखर धवन हो, इन तीनों के शॉट सिलेक्शन पे काफ़ी बात हुई। ये तीनों कहीं ना कहीं कुछ गलत शॉट खेल के आउट हुए कहीं ना कहीं, और जो बॉलिंग का कॉम्बिनेशन हुआ, वॉशिंगटन सुंदर को पावर प्ले में नहीं खिलाया, बॉल कराई गई, उसका चहल को पहले ओवर के बाद थोड़ा और गैप करा के बॉल कराई, कहीं ना कहीं हम लोगों ने खुद उनके बैट्समैन को सेट कराया। देखिए, जिस तरह पिछले मैच की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं विराट कोहली की जो स्ट्रेटेजी थी, वो जो कप्तानी थी, उस पर जरूर सवाल उठाए जा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के कुछ आज मैच में कुछ ना कुछ मैनेजमेंट ने जरूर डिसाइड किया होगा कि थोड़ा होमवर्क क्या होगा, क्योंकि उनके पास कुछ इस तरह के प्लेयर भी हैं। जैसे मैं पिछले अगर देखा जाए IPL में सूर्य कुमार यादव ने बहुत इंप्रेस किया था। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि विराट कोहली की जो परफॉर्मेंस हो रही है इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, या उनको थोड़ा सा अपने आप को भी नीचे लाया जा सकता है या किसी, क्योंकि अब कंट्री की बात है, हम पर्टिकुलर किसी एक प्लेयर को लेकर नहीं चलेंगे। जहां रोहित शर्मा को एक रेस्ट दे दिया था, मुझे लगता है कि इस तरह की जहां पे कॉम्पिटिटिव मैचेस होते हैं, कंट्री की बात होती है, तो रेस्ट नहीं देना चाहिए। और जहां तक अभी स्ट्रेटजी की बात कही जाए, गेम प्लान की बात कही जाए, वो बिल्कुल उस पर खर नहीं उतरे हैं। अब शिखर धवन की अगर हम बैटिंग की बात करें तो बहुत एक गलत लाइन उन्होंने सेलेक्ट करी शॉट के लिए। इतने स्थापित बल्लेबाज हैं, आप पे टीम रिलाई करती है, थोड़ा सा कंसोलिडेट करना चाहिए, थोड़ा सा अगर बॉल नहीं आ रहा आपके बल्ले पे, थोड़ा सा आपको टाइम लेना चाहिए। T20 की क्रिकेट ये नहीं है कि धड़ाधड़ा आते ही हैं मारने जा रहे हैं, परंतु बॉल के लिए जब आपको लूज बॉल मिले पावर प्ले का प्रयोग करिए। तो इस तरह की तमाम जो पिछले मैच में गलतियां हुई थी उससे हमें बाहर आना चाहिए। रही जहां तक विराट कोहली की बात, तो थोड़ा सा कहीं कहीं मेंटल ब्लॉकेज आ जाता है जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं होती है, तो आप रॉन्ग लाइन और गलत शॉट का सिलेक्शन करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर आपके बैट में बॉल नहीं आ रही, आपके पास बेंच स्ट्रेंथ में कोई अच्छा प्लेयर रखा हुआ है, तो आप नीचे जा सकते हैं बैटिंग करने। तो देखते हैं आज की क्या रणनीति होती है, लेकिन मेरे हिसाब से पिछले मैच से जो इनकी गलतियां हैं उस पर इन्होंने जरूर होमवर्क किया होगा। बिल्कुल होमवर्क किया होगा, ज़्यादा टाइम मिला नहीं है, कल का पूरा दिन जो प्रैक्टिस सेशन में बीता है वहाँ पे नेट पे देखने को मिला। सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन दोनों से काफ़ी बल्लेबाजी कराई है विक्रम राठौर और रवि शास्त्री ने। संदीप भाई, आपकी तरफ आऊँगा। जिस तरह से अगर बात की जाए इंग्लैंड के मीडियम पेस बैटरी की, कहीं ना कहीं वो भारतीय टीम के जो यंगस्टर हैं उन पर भारी रही है। ज़्यादा अनुभवी उनका भी पेस अटैक नहीं है, लेकिन जोरफर आर्चर इतनी T20 लीग्स खेल के आए हैं, बेन स्टोक्स इतना T20 क्रिकेट खेले हैं जो घरेलू इंग्लैंड में होता है उसमें भी काफ़ी अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस किया, बाकी एक शानदार ऑलराउंडर वो हैं, तो कहीं ना कहीं उसका जो एक्सपीरियंस है वो भारी पड़ता है भारतीय तेज गेंदबाजी। देखिए, तेज गेंदबाजी का जब नाम आता है, जो तेजी है ना इंग्लैंड की गेंदबाजी की,
वो तेजी और इंडिया की गेंदबाजों की तेजी में जो फर्क है ना 15 से 20 किलोमीटर का, वो T20 में बहुत इफेक्ट करता है। और ऐसे विकेट पे जहां पे बॉल थोड़ा सा निकल रहा हो, ऑफ द विकेट कट हो रहा हो, वहां पे ये कॉम्बिनेशन और लीथल हो जाता है। हमारा बॉलिंग कॉम्बिनेशन देख लीजिए, हम पहले तो मैं बात करता हूँ जो हमारा कॉम्बिनेशन था, सिर्फ दो फास्ट बॉलर लेके उतरे थे। मुझे लगता है इस विकेट पे आपको तीन फास्ट बॉलर चाहिए, तो उससे क्या होगा, उससे दो चीजें हैं। हमेशा टॉस जीत नहीं सकते हैं, आपको टॉस हारना भी पड़ सकता है, जिससे पहले मैच में आप हारे थे। और अगर आपको बाद में गेंदबाजी करनी पड़ी तो जो ड्यू फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो टाइम पे स्पिनर बॉल डाल नहीं पाते हैं, जो कि हम लोगों ने पिछले मैच में देखा है। तो आपको तीन फास्ट बॉलर लेके खेलना ही पड़ेगा, और गेंद भी इतनी ज्यादा टर्न हो नहीं रही है, दूसरी चीज है ये। और जो कॉम्बिनेशन जैसा आपने बताया, जो कि जो इंग्लैंड के तेज गेंदबाज थे, उन वो 145 150 पे बॉल डाल रहे हैं, और हमारा जो एवरेज बॉलिंग स्पीड 130 132 है। तो वो जो स्पीड है ना 10-15 किलोमीटर की, वो T20 क्रिकेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो बहुत ज्यादा लिथल हो जाती है। क्योंकि हमारे बल्लेबाज, अगर बात किया जाए संदीप भाई, जिस तरह से हमारे बल्लेबाज तो उनकी 150 की रफ्तार भरी गेंदों पर भी स्विफ्ट फ्लिक मार देते हैं ऋषभ पंत जैसे, लेकिन हमारे जो उनके बल्लेबाजी करने आते हैं, जब बल्लेबाज जब बटलर, जशन रॉय और एयन मॉर्गन सामने होंगे और हमारे गेंदबाज 130 प्लस बॉल फेंकेंगे, उसके बाद स्कोर उनके पास होगा नहीं, तो कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा मनोबल गिरता है। उसके बाद फील्डिंग में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सुधार अभी चाहिए। यंगस्टर पर निर्भर हो जाना बहुत अच्छी चीज़ है, युवाओं को आगे आना चाहिए, लेकिन जिस तरह से युवा लगातार फेल होते जाएंगे टेस्ट में, तो चलिए अच्छी बात है, टेस्ट में सारे युवाओं ने आपको खड़ा कर दिया ऐसी जगह लाके कि आज आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल रहे हैं। लेकिन T20 में वर्ल्ड कप आपका सर पे है, और आपका कप्तान कह रहा है मेरी पहली पसंद है इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीते। जी जी विशाल जी, देखिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था, जो सीरीज शुरू हुई थी T20 की, उसके पहले विराट कोहली का स्टेटमेंट क्या था। विराट कोहली ने स्टेटमेंट दिया था कि हम जो है अपना जो पैटर्न है T20 खेलने का, वो हम चेंज करेंगे और हम थोड़ा डोमिनेटिंग क्रिकेट खेलेंगे, एग्रेसिव क्रिकेट खेलने के लिए जाएंगे। और हुआ क्या, एग्रेसिव क्रिकेट खेलने के चक्कर में आप 130 रन बना नहीं पाए। मुझे आज भी याद आ रहा है 2 साल पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज थी, वहां पे भी कुछ इसी तरह के स्टेटमेंट आए थे और इंडिया टीम और बैटिंग नहीं कर पाई थी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है मानसिकता, क्योंकि आप आक्रामक क्रिकेट खेलने का मतलब ये नहीं कि हर गेंद को बिना देखे आप बल्ला घुमाएं और गेंद कहीं भी जाए। आक्रामक क्रिकेट खेलने का मतलब यह है कि आपको सिचुएशन के हिसाब से जो चीज ज्यादा बेहतर लग रही है पॉजिटिविटी के साथ, वो आपको करनी है। आक्रामक क्रिकेट खेलने के बहाने ऐसा तो नहीं कर सकते कि आप 125 130 पे आउट होते रहे। नंबर एक चीज, नंबर दो, क्या आप जो है पहले मैच में इस तरह की करारी हार के बाद वो आप अपनी स्ट्रेटजी क्या आप चेंज कर देंगे कि आपने ऐसा शो किया कि हम जो है आक्रामक क्रिकेट खेलेंगे। मुझे लग रहा है वो भी गलत है, क्योंकि आप अगर किसी एक रास्ते पे चल निकलते हैं तो मेरा ये विचार है कि आप थोड़े दिन तो उस रास्ते पे जरूर चलें, क्या पता आगे सफलता आपका इंतजार कर रही हो। और इसके साथ साथ मैं एक चीज ये भी कहना चाहता हूं कि जो बॉल बैटिंग चेंजेस की बात है या टीम चेंजेस की बात है, ये टीम बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा एबिलिटी है इसमें। मुझे सिर्फ एक परिवर्तन लग रहा है कि तीन फास्ट बॉलर इस टीम में आने चाहिए। बाकी देखिए, भारत टीम का पिछला अगर रिकॉर्ड उठा के देख ले तो लगभग हर सीरीज में पहला मैच हारे हैं, उसके बाद सीरीज जीत के आई है टीम। तो मुझे लग रहा है आज भी वैसा ही होगा कुछ, तो हारना शुभ माना जाए। अगर थोड़ा उस तरफ जाके देखे तो इंडिया टीम पहला मैच हारती तो शुभ होता है। नरेंद्र भाई, एग्रेसिव क्रिकेट कैसे भारत में खेला जाएगा, वो चिल्लाकर खेला जाता है या बल्ले से रन बना के या गेंदबाजी से, या फिर वो पहले ही ग्राउंड पे आके ये कहना कि आप चिंता मत करिए मैं हूं। एग्रेसिव क्रिकेट की मीनिंग क्या है भारतीय क्रिकेट की? देखिए, जहां की अभी आपने जो सवाल पूछा, संदीप जी ने जो जवाब दिया, टीम में एबिलिटी और टैलेंट और जो पोटेंशियल है उसकी कोई कमी नहीं है। होता है कि अपने खिलाड़ियों को सही जगह पे सही जो आपका प्लेसमेंट हो, उनका ऑर्डर ठीक हो, सही समय पे बॉलिंग कराई जाए जैसे, तो ये सब चीजें जो अगर एक कप्तान की जिम्मेदारी है, एक मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। और ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं हम पहला मैच हर बार हार जाते हैं फिर सीरीज जीते हैं, ऐसा नहीं है। प्रोफेशनलिज्म है यहाँ, कंट्री आप पूरे सब लोग देख रहे हैं, आप पे आशाएं होती हैं और आप सभी स्थापित क्रिकेटर हैं, तो इस तरह के स्टेटमेंट तो नहीं होने चाहिए। हाँ, ये कहीं ना कहीं जो कमियां हैं, एग्रेसिवनेस और पॉजिटिविटी से खेलना, ये दोनों चीजें अलग है। एग्रेशन तो क्या एक ओवर में दो चौके मार के हम बाहर आ जाते हैं, तो वो एक तरह की एक अच्छी क्रिकेट नहीं कहलाती है। आप वहां पे नीरू भाई जी,
पाजी आपको क्या लगता है रोहित शर्मा को आज खेलना चाहिए? बिल्कुल रोहित शर्मा को आज खेलना चाहिए जो बिल्कुल जी जी मैं खेलना चाहिए आज रोहित शर्मा। हाँ बोलिए बोलिए। रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी को खेलना चाहिए क्योंकि वो फाउंडेशन रखते हैं और एक ऐसा माध्यम है ऐसा मीडियम है और एक वो रोल मॉडल बन जाते हैं, वो अपने साथ किसी भी बल्लेबाज को खिला सकते हैं। और जहां तक अगर आप देखा जाए शिखर जी मैं इसी पॉजिटिविटी की बात कर रहा था। आपको ये देखना पड़ेगा कि भारतीय टीम वर्ल्ड कप के पहले इकट्ठा होके खेलेगी कब। आपने रोहित शर्मा जो कि T20 का आपका बेस्ट बैट्समैन है उसको पहले मैच में आपने रस दे दिया, शिखर धवन को लेके आप चले आए, तो क्या सिर्फ एक मैच का रस दे के आप उसको टीम में ले आएंगे? हार से विचलित होकर मुझे लगता है ये शिखर धवन के साथ उचित नहीं। सबसे बड़ा सवाल है कि रस दिया क्यों गया है, ऐसा क्या कौन सी चोट लग गई कि एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप कह रहे हो कि पहला मेरा जो प्रेफरेंस है वो केएल राहुल और रोहित शर्मा का है और जब टीम बन रही है तो वहां धवन हो रहा है, किसको सरप्राइज करना चाह रहे हैं विराट कोहली? विशाल मैं थोड़ा आपकी बात पे एक एंटर करूंगा। अब जैसे मैन इन फॉर्म मैन ऑफ जैसे कह सकते हैं करेक्टर बैटिंग दिखाता है और एग्जीक्यूट करता है अपनी इनिंग को बिल्ड करता है और पीछे कई अच्छी परफॉर्मेंस करी है तो उसको तो खेलना चाहिए। हम विराट कोहली की अगर हम बात करें कि कहीं ना कहीं एक आपने देखा होगा बहुत ऐसे इंग्लैंड के प्लेयर या फॉरेन प्लेयर्स हुए हैं कि वो बहुत ज्यादा जब क्रिकेट ज्यादा खेलते हैं या अब उनकी परफॉर्मेंस या हल्की हो रही है तो कहीं ना कहीं वो एक मेंटल लीग लेते हैं। मेंटल लीग मतलब इन द सेंस कि सालों क्रिकेट से आगे एक आधा मैच लिए थोड़ा अपना ड्रेसिंग रूम में रहे और देखा क्या है, अगर लगातार आप खेलते जा रहे आउट होते जा रहे तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क उठेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस, ऐसे में अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं है रोहित शर्मा मैन इन फॉर्म थे, थोड़ा सा सूर्य कुमार यादव को भी चांस दिया जा सकता था जहां वर्ल्ड कप की टीम बना रहे हैं वो भी स्थापित हो जाते बेंच स्ट्रेंथ कोहली तो हैं अच्छे, तो ये मैनेजमेंट को एक बार डिसीजन लेना आना चाहिए कि एक बड़े प्लेयर को भी कहीं ना कहीं बड़े कप्तान है लेकिन परफॉर्मेंस अगर नहीं है तो हम कंट्री पहले, तो ये थोड़ा हार्ड डिसीजन जरूर होगा लेकिन हमें आगे फ्यूचर को देखते हुए हमें ग्रूम करना है प्लेयर को कहीं ना कहीं जो हमारे बेंच तक जो ऐसा नहीं हमें किसी को टूर ही कराना है साथ में रख, जब तक हम खिलाड़ी को खिलाएंगे नहीं मौका नहीं देंगे तब तक वो कैसे परफॉर्म करेगा। ये हो रहा है, ये पिछले 3-4 सालों से क्रिकेट इंडियन क्रिकेट में ये हो रहा है ये चीज। वरुण चक्रवर्ती हर सीरीज में चुने जाते हैं लेकिन उनके चोट लग जाती है, वो इंडियन टीम के साथ टूर में जा ही नहीं पाते हैं। कल उनको लेके ब्रेडहॉक का एक बयान आया, उससे पहले कोहली भी उन पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे कि आपका कोई डेडिकेशन लगता ही नहीं है वरुण चक्रवर्ती का जब उन्हें इंडिया के लिए खिलाया जाता है, जब उनका नाम आता है उनके कहीं ना कहीं वो चोटिल हो जाते हैं। एक मिस्ट्री बॉलर है, काफ़ी लंबा समय उन्होंने क्रिकेट को छोड़ दिया था, 10 साल बाद फिर क्रिकेट में वापसी की और आज वरुण चक्रवर्ती बन गए, लेकिन ब्रेडहॉक ने भी उनसे कहा कोई डेडिकेशन ही नहीं है इंडिया क्रिकेट खेलने की आपके अंदर, आप इतना नेचुरल क्रिकेट खेलते चले आए हैं कि आपको लग ही नहीं रहा कि आपकी इंडिया की कॉल हो गई है। तो क्या होता है कि जो माइंड होता है, अब सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन अपने करियर की पीक पर हैं, अगर अब उन्हें इंडिया की जर्सी नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं आने वाले 2-3 महीनों में ये दोनों प्लेयर किस फॉर्म में होंगे किसी को नहीं पता है। चेंजेस हुए हैं आप टीम में विशाल, मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन को चांस दिया गया है, व्हाट आई फील जो मुझे ऐसी वेव्स लग रही है, कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि आज ये दोनों का जो है टीम में पदार्पण हुआ है और एक अच्छा साइन है मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल अच्छा साइन है, इन सब पे चर्चा जारी रहेगी। आज हम लोग बात कर रहे हैं भारत और इंग्लैंड के दूसरे T20 मैच की, जहां पर एक नए प्लेइंग 11 के साथ भारतीय टीम उतर सकती है और उसका सामना होगा इंग्लैंड की तेज तर्रार फास्ट विकेट से, जहां उसको सामना करना पड़ेगा जोफ्रा आर्चर। और अगर बात की जाए क्रिस जॉर्डन का, तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड पहले से तैयार है, वर्ल्ड नंबर 1 T20 टीम है, इन सब पे चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सारथी GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D-Pharma, B-Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount.
कॉल 9971496497 और विजिट द कैंपस कानपुर लखनऊ हाईवे नियर उन्नाव GGS एजुकेशन ग्रुप। आप देख रहे हैं की न्यूज खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम अपरकट में। आज हम लोग बात कर रहे थे भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे T20 मैच की। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाना है, जहां पर कुछ ही देर में टॉस होगा और उसके बाद फाइनल होगा कौन कौन प्लेयर बाहर गए हैं या सेम कॉम्बिनेशन के साथ टीम इंडिया उतरी है। बात अगर करें भारतीय टीम के मीडियम पेस अटैक की, इन सब पर ज़्यादा जानकारी के साथ अगर बात की जाए मीडियम पेस की, संदीप भाई आपके पास आऊँगा। मीडियम पेसर 2019 में एक बॉलर आपका चोटिल होता है, लीडिंग बॉलर होता है, 2021 में लगभग दो साल बाद वो टीम में वापसी करता है। उससे पहले घरेलू सीज़न में 3 विकेट और 2 विकेट, दो मैचों में उसके बाद वो इंडिया टीम के साथ जुड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं ग्राउंड पे समय कम बीता और सीधे इंटरनेशनल सर्किट में उनकी वापसी, और कहीं ना कहीं वो उस हिसाब का परफॉर्म नहीं कर पाए। कितना बड़ा मुश्किल होता है फास्ट बॉलर का इंजरी के बाद वापसी करना ऐसे? देखिए बहुत मुश्किल है फास्ट बॉलर को इंजरी के बाद वापस मैच में खेलना, मैच फिट होना बहुत मुश्किल है, और यही रीजन था जिसकी वजह से मुझे लग रहा है भुवनेश्वर कुमार जो है डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेले, नहीं तो पिछले 5-6-7 सालों से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल नहीं रहे थे। अच्छा, समस्या ये हो गई कि हमारे जो लीडिंग बॉलर थे मोहम्मद शामी और बुमराह, वो दोनों इंजर्ड थे, इसलिए भुवनेश्वर कुमार को अभी मैच में खिलाना भी भारतीय टीम की एक मजबूरी थी, क्योंकि चाहे T20 हो, चाहे वनडे हो, चाहे टेस्ट मैच हो, तो जो एक्सपीरियंस होता है वो हमेशा काउंट होता है, क्योंकि अनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप है, नटराजन है, दीपक चाहर है, शार्दुल ठाकुर है, उतना एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी चाहिए था जो कि भुवनेश्वर कुमार के रूप में स्क्वाड में था, जो कि ऑटोमेटिकली उनकी जगह टीम में बनी। मैं अगर बॉलिंग के कंसर्न में आप पूछे तो मैं फिर आज बोलना चाहता हूं कि 3 फास्ट बॉलर के बिना ये टीम नहीं बन सकती है, क्योंकि अगर गलती से कहीं आप टॉस हार गए तो आपको बाद में बॉलिंग करनी पड़ेगी और स्पिनर्स को बॉल डालना बहुत मुश्किल हो जाएगा इन कंडीशंस में। बिल्कुल नरेंद्र भाई, आप कह रहे थे अभी कॉम्बिनेशन की कुछ बेन स्ट्रेंथ को अपनी चेक करने की, मैं चाहता हूं ऋषभ पंत हमारे पास एक विकेट कीपर है, अगला विकेट कीपर लोकेश राहुल या ईशान किशन में से कोई एक हो सकता है, अगर आप इन सबको भी विकेट कीपिंग करा ले, 5 T20 मैचेस हैं, आज डेब्यू कराते हैं ईशान किशन का अगर हम लोग, तो उनसे भी विकेट कीपिंग करा के देख लें कि वो कैसी विकेट कीपिंग कर रहे हैं। एक ऑप्शन में हमें हम लोग के पास क्या है, KL राहुल से तो अच्छे विकेट कीपर हैं ईशान किशन और प्रॉपर विकेट कीपर है। नहीं, बहुत बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन है आपकी विशाल, आपने इसको बहुत सही परखा। जहां तक हमें वर्ल्ड कप की टीम बनानी है और हमारे बेंच स्ट्रेंथ के जो प्लेयर है उनको कहीं ना कहीं टीम में जगह मिल रही है, तो उनकी भी टेस्टिंग हो जाएगी। प्लस ये देखिए, ये खेल अब ये कंपटीशन का खेल है, जो अच्छा खेलेगा वो सर्वाइव करेगा, वो लंबे समय तक खेलेगा, तो जो भी खिलाड़ी अगर उसको टीम में 11 जगह मिलेगी तो वो अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाएगा। जहां ऋषभ पंत की बात कही जाए, उसका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है और बैक टू बैक उन्होंने जो परफॉर्मेंस करी है, विकेट कीपिंग भी शानदार कर, लेकिन ईशान किशन का जहां तक जो आज बैटिंग में उनको इंक्लूड किया गया, तो एक कहीं ना कहीं एक मैनेजमेंट ट्राई कर सकता है कि उनकी कीपिंग की सेवाएं ली जाए। और बाकी मुझे आज लगता है कि आज की टीम जो है काफी हद तक बैलेंस है, और हिंदुस्तान मेरी तरफ से जो प्रेडिक्शन है आज इंडिया मैच जीतेगी, क्योंकि ये यंगस्टर है ये पूरा दमखम लगाएंगे, अपनी जो सिलेक्शन है इसको कहीं ना कहीं अपना प्रूव करने की भी कोशिश करेंगे। बिल्कुल संदीप भाई, 2007 का वर्ल्ड कप जब पहला T20 वर्ल्ड कप हुआ था, भारतीय टीम जीती थी, उसमें 2 विकेट कीपर खेला करते थे, महेंद्र सिंह धोनी और दिनेश कार्तिक। रेगुलर विकेट कीपर के तौर पर महेंद्र सिंह धोनी विकेट कीपिंग किया करते थे, और जब धोनी के बैक में दर्द काफ़ी समय से था, 2006 से उनके दर्द चालू हो गया था जो आखिरी तक रहा, तो जब अफ्रीका के खिलाफ मैच था, एक बहुत शानदार कैच लिया गली पर दिनेश कार्तिक ने, उसके तुरंत बाद अगले ओवर में हम लोग को धोनी बगैर पैड के और कीपरिंग करते दिख गए हम लोग को दिनेश कार्तिक। तो ये सब चीज़ें होती थी कि वो तुरंत चेंज हो जाते थे कि नहीं ये ज़्यादा फिट है, विकेट कीपिंग करा दो, क्योंकि उस टाइम बहुत क्रूशल मैच चल रहा था। और इंडिया में अगर हम लोग देखें कि अभी प्लेइंग 11 में कौन है जो दूसरा विकेट कीपर बन के आ जाए, अगर ऋषभ पंत का कोई हम लोग सब्स्टिट्यूट ढूंढें तो लोकेश राहुल उस कदर के विकेट कीपर नहीं है, बहुत अच्छे प्लेयर है, बहुत अच्छे फील्डर हैं, उनकी फील्डिंग कोई जोड़ नहीं, लेकिन विकेट कीपिंग के मामले में वो राहुल द्रविड़ और KL राहुल दोनों एक हैं।
जी जी देखिए, केएल राहुल को तो विकेट कीपिंग इसलिए करनी पड़ी थी क्योंकि ऋषभ पंत लगातार फ्लॉप हो रहे थे। राहुल ये केएल राहुल से एक्सपेक्टेड नहीं था विकेट कीपिंग, मगर उनको जबरदस्ती विकेट कीपिंग करानी पड़ी क्योंकि ऋषभ पंत को मौका मिला और वो फ्लॉप हो गए थे। तो अब जबकि ऋषभ पंत वापस टीम में अपने पैर जमा रहे हैं और अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कोई जरूरत ही नहीं है कि केएल राहुल जो है कीपिंग ग्लव्स पहने, नंबर एक चीज। नंबर दो चीज, जो अभी बात ये हो रही थी कि दो खिलाड़ी टीम में नए आए हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि बाहर कौन गया है। मुझे लग रहा है अगर ये परिवर्तन करना था तो पहले मैच में करना था, क्योंकि देखिए अब होगा क्या, अब अगर इन दोनों खिलाड़ियों में से कोई भी खिलाड़ी फ्लॉप होगा एक मैच में या दो मैच में, तो आप फिर उसको बाहर करेंगे और पुराने खिलाड़ी को फिर टीम के अंदर लाएंगे। मुझे लग रहा है नाइंसाफी दोनों खिलाड़ियों के साथ हो जाएगी, इसलिए अगर किसी एक खिलाड़ी को मौका मिला था कम से कम आप उसको दो तीन मैच देते, अगर वो परफॉर्मेंस नहीं करता तो अंतिम दो मैचों के लिए, अंतिम तीन मैचों के लिए इन खिलाड़ियों को मौका दिया जा सकता था। और जितना मैं जानता हूँ नरेंद्र भाई, संदीप भाई, विराट कोहली को जितना अब तक हम लोग क्रिकेट देख पाए हैं वो कोई चेंज करेंगे ही नहीं। विराट कोहली टॉस करने आएंगे और वो कहेंगे कि सेम टीम है और ये हमारे लड़के आज अच्छा परफॉर्म करेंगे, जितना मुझे लगता है, क्योंकि विराट कोहली इतना चेंज करने, वो धोनी वाले पैटर्न पे अब आ गए हैं। एग्रेसिव क्रिकेट जरूर खेलनी है लेकिन जब टीम चुनते हैं तो धोनी से बात कर लेते हैं फोन पे वो कि कैसे करें, अभी प्लेयर्स को टाइम देना चाहिए उन्हें भी। नरेंद्र भाई देखिए, जब हमारे पास खिलाड़ी हैं, मैं संदीप की बात से सहमत हूँ कि इस तरह से इन आउट अगर हो तो कहीं ना कहीं आदमी जो खिलाड़ी होता है वो कहीं ना कहीं बड़ा कॉशियस होता है, बहुत कहीं ना कहीं अपने आप को कंफर्टेबल जोन में नहीं रख के खेलता है। लेकिन जब बात होती है कि जब हमारे पास प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, टीम के साथ हैं, तो उनको भी तो वो भी तैयार बैठे हैं, वो अभी कहीं ना कहीं तैयारी करते हैं ऑफ सीजन में और जो भी जहाँ भी उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है, तो वो भी चाहते हैं कि हिंदुस्तान के लिए खेले। जहाँ तक अभी वर्ल्ड कप की टीम बनानी है तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म कहीं ना कहीं उन खिलाड़ियों में दिखता है कि वो अपने सीनियर क्रिकेटर को या कहीं जो भी स्टाफ क्रिकेटर है उनको कंपटीशन देने के लिए वो उतरेंगे। और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो हैं इंडियन क्रिकेट को इम्प्रूव करती हैं। इस क्या होता यही है कि जब कॉम्पिटिशन, एक अच्छे प्लेयर को कॉम्पिटिशन मिलता है तो जो स्टेबल क्रिकेटर होता है वो अपनी और तैयारी करता है, नीचे वाले और उनको देख के आगे आते हैं। तो हमारे पास अगर पीछे देखा जाए ऑस्ट्रेलिया में जब हमारे सारे खिलाड़ी घायल हुए थे और कोहली नहीं थे, तो ये जो खिलाड़ी थे ये तैयार बैठे मौके के लिए और वही बिल्कुल उन्होंने प्रूव कर दिया। तो अगर आज इन लोगों को मौका मिलता है, और मेरी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि हर खिलाड़ी जब टीम में आता है उससे पहले कितनी उसकी प्रिपरेशन होती है, एक ड्रीम होता है कंट्री के लिए खेलना, और उस ड्रीम को साबित तब होता है जब वो परफॉर्म करता है और कहीं ना कहीं लंबे समय तक खेलता है। तो एक अच्छा कह सकते हैं मूव है, अगर दो प्लेयर नए आज इंट्रोड्यूस होते हैं तो बहुत खुशी की बात है इंडियन क्रिकेट के लिए, और वो मैच भी जीत जाए साथ साथ और अच्छी बात है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं दो चेंजेस होंगे। संदीप आपकी बात ठीक है कि दो अगर चेंज होंगे तो मुझे लगता है दोनों ओपनर आज बाहर होंगे। ये मेरा मानना है कि दोनों ओपनर आज बाहर होंगे और ये दोनों ओपनर खेलेंगे। विराट कोहली ईशान किशन के साथ आज ओपन कर सकते हैं अगर कुछ चेंजमेंट होता है तो, और थोड़ी देर में टॉस होगा उसके बाद सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी कि सूर्यकुमार यादव ईशान किशन का डेब्यू हुआ है या नहीं, या फिर सेम स्क्वाड के साथ विराट कोहली उतरेंगे। वह मुझे लग रहा है कि कोई चेंजमेंट नहीं होंगे। फिलहाल के न्यूज़ से जुड़ने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम लोग बात कर रहे थे दूसरे टी20 मैच की जो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है, और कहीं ना कहीं इंडियन टीम को वर्ल्ड कप के नज़रिए से भी टीम को तैयार करना है और अपने प्लेयर्स को फॉर्म में लाना है। पिछले मैचों की गलतियां भूलकर आज वो टीम उतरेगी और टॉस जीतकर मेरे हिसाब से पहले बल्लेबाजी करना चाहेगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।